हमारे बच्चे सब उसमें जाते हैं, शिफ्ट होते हैं। आने वाला समय क्या होगा हम लोग को मालूम नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं इस रास्ते में हम लोग। शायद आप इनके आंखों के आंसू को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। ये किसी पैसे दिए हुए लोग नहीं है यहाँ पर आए हुए, ये अपनी जो ज़रूरतें हैं उसकी मांग कर रहे हैं। कि अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर अगर भावनाएं हैं तो इन लोगों की आवाज़ सुनिए। ये आंसू जो है किसी से खरीदी गई नहीं है, ये उनके मन की आवाज़ है, ये उनकी परेशानी की आवाज़ है। वो ये जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को संभालें या उनका भविष्य बनाएं या घर चलाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणव जो हैं जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है उनको और लोग क्या चाहते हैं। आप जब इस एरिया में रिसर्च करने आए थे तो लोगों से आपने मुलाकात की होगी, तो क्या क्या परेशानी लोगों ने अपनी बताई है? लोगों ने ये बताया कि उन्हें कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। वहाँ आप देख सकते हैं ये जो डोंगर है वहाँ से पानी आ रहा है, जब बारिश आती है बारिश ऊपर से पानी आता है, इन लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। या फिर अभी देख सकते हैं आप यहाँ पथरा बितरा टूटा हुआ है, तो इन्हें बहुत दिक्कतें हो रही है। यहाँ नल नहीं है प्रॉपर, टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है। हर एक 100 घर के अंदर 3 टॉयलेट ये लोग जो बोल रहे हैं वो। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें नगर सेवक की या जो यहाँ के एमपी है एमएलए, जब आपने उनसे मुलाकात की तो इनके बारे में कुछ आपने बताया उनसे, कुछ उन्होंने आश्वासन दिया हो आपको या कुछ वहाँ से रिप्लाई मिला हो? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है इसके अगेंस्ट या इन लोगों के लिए। ऐसा कुछ आश्वासन उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया जी। बिल्कुल, जो है नगर सेवक जो है जब लोग यहाँ से वहाँ पर लेटर लेकर जाते हैं तो लोग वहाँ पर आने की बात करते हैं, उन्हें बसाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है। हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर इसी जगह पर रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का ये मैदान है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी गंदगी भरा माहौल है। वहीं पर जो है ये बच्चे खेलते भी हैं, वहाँ पर रहते भी हैं और यहाँ पर ही उनका गुजारा होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। ये बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे या बिगाड़ेंगे ये सरकार के हाथ में है। सरकार जब तक उनकी मदद के लिए सामने नहीं आएगी। लोग जो है यहाँ परेशान है, लोगों की आंखों में जो है आंसू भरा हुआ है कि वो जानना चाहते हैं कि सरकार उनकी बात कब सुनेगी और उन तक कब पहुँचेगी। क्या माता जी आपको क्या परेशान तो है? किती परेशान आपण होणार की लांब लांब ना पाणी पण आणतो की पाण्याला परेशान वर ना पाणी येतं का तर नाही की घरात सगळं पाणी माझ्या येतं, 2-3 महिने मला झोपायला पण येत नाही की तसंच आम्ही वल्ल्यामध्ये झोपतो की माझ्या लडकांनी झोपतो की। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, लोग किस तरीके से यहाँ पर जी रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ से ये पूछ रहा है कि माँ हम लोग यहाँ पर रहेंगे या हमको यहाँ से जाना होगा। ये आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ से बरसात के समय यहाँ से पानी जो है लोगों के घरों में जाता है। लोग जो है घर में रहें या घर के बाहर रहें उन्हें ये नहीं समझ में आता है। लोग कई दिनों तक घर के अंदर नहीं जाते क्योंकि डर होता है कहीं पहाड़ जो है वो उनके घर पर ना गिर जाए, इस वजह से भी लोग जो है अपने घरों में जाने से डरते हैं। ये देखिए हम और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। यंग लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से बच्चे जो हैं स्कूल जाने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वो जब घर स्कूल से घर लौटेंगे तो क्या घर उसी तरीके से होगा या क्या क्या उनको प्रॉब्लम आगे झेलनी हो सकती है। आपसे जानेंगे जब आप पढ़ने बैठती हैं या किस तरीके से यहाँ पर लाइट होता है या पानी होता है या जिस तरीके से आप स्कूल जाती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत चीज़ की प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए। हरदम नोटिस आता रहता है, बोलना नोटिस आता रहता है कि टूटेगा, फिर टूटता भी नहीं है। यहाँ पे बहुत चीज का प्रॉब्लम है हम लोग। किस तरीके से आप रहते हो, स्कूल जाती हैं? नहीं, इसी की वजह से तो छोड़ डाली पढ़ाई मैंने। इतनी परेशानी रहती है, बार बार आते तोड़ने के लिए। अगर ऐसे तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ छत तो रहना चाहिए ना रहने के लिए। सही है, मुंबई जैसे शहर में छत होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये छोटा सा बच्चा है, ये गैलन लेकर नीचे तक जाता है और वहाँ से पानी भरता है और अपने घर पर आता है। बेटा पढ़ते हो? हाँ। कहाँ जाते हो पढ़ने, स्कूल में? हाँ। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। पानी भरने जाते हो यहाँ से? हाँ। इतना वजन उठा लेते हो? नहीं।
तो कितना भर के लाते हो उसमें पानी? पाँच का भर के लाते हो। देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है, शायद उसको ये भी नहीं मालूम है गैलन कितने लीटर पानी उठाता होगा, लेकिन वो स्कूल से आने के बाद में यहाँ पर जो है वो पानी भरने जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी माँ जो है घर को संभाल रही है, क्योंकि घर का जो छपरा है वो टूटा हुआ है, और ये पानी भरकर उन तक ले जाता है ताकि उन्हें पीने का पानी तक नसीब नहीं होता, क्योंकि पानी का जो नल है वो काफ़ी दूर भी है और वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि एक गैलन भरने तक वो यहाँ तक आने तक जो है पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। आप स्कूल जाती हैं? जी हाँ। कौन सी क्लास में? दसवीं। तो किस तरीके से मैनेज करते? लाइट नहीं है यहाँ पर, पानी नहीं है, रहने के लिए घर की सुविधा भी ठीक तरीके से नहीं है, तो कैसे रहते हैं? तकलीफ होती है ना, बहुत परेशानी है, म्यूनसिपालिटी आते रहती है बार बार, और जिन्हें मुश्किल हो जाता है, घर बार बार तोड़ते रहती है, हर चीज़ का खड़ा हो जाता है, ट्यूशन से लेके स्कूल से हर